फ्रेंड नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डीआईवाई लेकर के आई हूँ। इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी होगी, साथ के साथ ही आपके बालों के स्कैल्प से इन्फेक्शन, डैंड्रफ और जुए जैसी समस्याएं को ख़त्म करेगा। गर्मियों के मौसम में अक्सर दोस्तों जुएँ हो जाती है, घमौरियाँ हो जाती है, बालों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, तो उन सभी चीज़ों का जो है इलाज आज का ये डीआईवाई, आज का ये होम रेमेडी करेगा। तो आज के होम रेमेडी के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है नीम की पत्ती। नीम पता है दोस्तों बहुत सारे इसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, हर चीज़ में नीम का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपके साबुन में हो, आपके सोप में हो, आपके फेस वॉश में हो, हर चीज़ में दोस्तों। तो नीम का यानी कि हर तरीके से मेडिकल प्रॉपर्टीज है, आपके फेस के लिए अच्छा है, आपके लिए बालों के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है दोस्तों। तो नीम का आप अक्सर इस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आज आप इसको घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आपको लेना है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ अक्सर आपको आपके गली मोहल्ले चौराहे पे पेड़ इसके मिलते हैं, वहाँ से आप नीम की पत्तियाँ इस तरीके से नीम की टहनियाँ तोड़ ले और उसकी पत्तियाँ को आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और कुछ दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की ताज़ी पत्तियाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। अगर आप इसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट में बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं जो आपके बालों को डैमेज कर सकता है, इसलिए क्यों नहीं आप इस तरीके का होम रेमेडी बिल्कुल नेचुरली तरीके से बना करके इस्तेमाल करें। बिल्कुल आपके बालों को जो समस्याएं हैं स्कैल्प में, रूसी की, फोड़े फुंसियों की, डेंड्रफ की, ये सभी समस्याएँ दोस्तों आपको ये वाला नुस्खा कर देगा। तो इसके लिए आपको इस तरीके से जो है नीम की पत्तियों को लेना है, इसको काफ़ी अच्छे से वॉश कर ले, धो ले, क्योंकि पौधे में अक्सर धूल मिट्टी जमती है, तो इसलिए पत्ते को काफ़ी अच्छे से धो ले 2 बार 3 बार पानी से। और उसके बाद आपको पानी लेना है लगभग 2 से 3 कप के आसपास। पानी की मात्रा वैसे आप अपने हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके पानी, आपके जो बाल है छोटे और बड़े होते हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी ले लिया है, पानी में हमने पत्तियों को डाल दिया है दोस्तों। इस पत्तियों को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से बॉयल करना है, खौला लेना है, लगभग 10 मिनट तक ज़रूर खुलाएं, ताकि इस पत्तियों की जितने भी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है, गुण है, वो सभी के सभी इस पानी में आ जाए। दोस्तों नीम की पत्तियां डायबिटीज़ के लिए, मतलब डाइजेशन के लिए, हर तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए होती है दोस्तों। अगर नीम की पत्तियों का लोग बोलते हैं सेवन करने से बड़े से बड़ा रोग भी दूर भागता है, इसलिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल आपको करना ही करना चाहिए, चाहे वो बालों के लिए हो, चाहे स्किन के लिए हो, या फिर आपके बॉडी स्किन के लिए, कई तरह की बीमारियों के लिए हो। तो आज मैंने आपको इस तरीके से बताया है हेयर के लिए, आपके बालों के लिए, और भी बहुत सारे DIYs लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि नीम का पत्तियों का इस्तेमाल आप कैसे करो, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्किन में हो या फिर आपके डायबिटिक वगैरह के लिए भी दूर हो जाए। तो यहाँ पे हमने लगभग पानी को 5 से 10 मिनट तक खुला लिया है, उस पानी को सेम हमें ठंडा कर लेना है, पानी को उस टाइम छाने नहीं, थोड़ा ठंडा कर ले, 10-15 मिनट छोड़ दे, और उसके बाद आपको पानी को छान लेना है, नीम की पत्तियों को निकाल लेना। इस पानी से आपको दोस्तों आपको नहा भी सकते हैं, बहुत सारे देखते होंगे पहले ज़माने में चेचक यानी कि चिकन पॉक्स वगैरह होने पर नीम की पत्तियाँ साइड में रखी जाती थी, इसे कहा जाता है कि दूर दूर तक रोग नहीं आता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर आप इस तरीके का DIY नहीं यूज़ करना चाहते तो इस्तेमाल कीजिए नेचर श्योर का जोंक शैम्पू, सभी प्रॉब्लम्स को छुटकारा देगा। जितना मैंने अभी आपको बताया सेम वही इसका यूज़ होगा। आपके बालों से जो है दोस्तों सबसे पहले आपके बाल को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगा, आपके बालों से इन्फेक्शन को दूर करेगा, आपके बालों को जो है नरिश करेगा बहुत ही ज़्यादा, आपके रूट से जो है डैंड्रफ वगैरह को दूर करके आपके रूट को, आपके जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत और हेल्दी बनाएगा दोस्तों। तो नेचर श्योर का ये जोंक शैम्पू है, अगर आप DIY वगैरह नहीं भी करना चाहते तो ये शैम्पू से आपको सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगी इसको कि आपको यूज़ कैसे करना है इसको। इसको आपको रात को दोस्तों आपको लगाना है आपके स्कैल्प में, आपके फिंगर टिप से पूरे स्कैल्प पे आपको अच्छे से मसाज देना है, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको अच्छे से मसाज देना ही देना है, रात भर अपने बालों पे लगा रहने दे और फिर अगले दिन उसको अच्छे से वॉश कर ले दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी आप नॉर्मली जैसे आप नहाते हैं, नहाने के टाइम पे भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। डैंड्रफ, फोड़े फुंसवे, इन्फेक्शन, जड़ों को मजबूत करेगा, एंटी डैंड्रफ का काम करता है, एंटी हेयर फॉल, और आपके बालों से चमक, जो खोई हुई चमक होती है उसको वो रीस्टोर करता है। तो बहुत ही बेस्ट शैम्पू है, एक बार आप ज़रूर करिएगा, खरीदिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा इसका, अगर आप लेना चाहते हैं इसको
तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा दोस्तों, जरूर ट्राई करिएगा ये वाला शैम्पू। तो दोस्तों मैंने आपको दो तरीका बताया, रात को सोने के पहले और नॉर्मली जैसे आप शैम्पू करते वैसे कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, जो मैंने DIY अभी बनाया है, यानी कि नीम का पत्ती का जो पानी मैंने यहाँ पे निकाला है दोस्तों, उस पानी में आपको जो है ये वाला शैम्पू मिक्स करके लगाने से और भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे से इस पानी को आपको ठंडा कर लेना है, नीम के पानी को, और उसमें आपको ये शैम्पू जो है लगभग 3 से 4 चम्मच डाल के इसको मिक्स कर देना। वैसे आपके पास जो भी शैम्पू अवेलेबल है वो शैम्पू यहाँ पे मिक्स कर दे, उसका भी इतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने यहाँ 4 चम्मच लिया है, मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से, आपके बाल जितने भी लंबे हैं उसी हिसाब से शैम्पू रखना है। कोशिश करें हर्बल शैम्पू, नेचुरल शैम्पू जो कि बिल्कुल भी केमिकल वाला ना हो, उस तरह का शैम्पू इस्तेमाल करें जिससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं और आपके बाल जो है बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर दे अपने बालों पर, मतलब बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर ले, और उसके बाद आपको इसको अच्छे से शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के टाइम पर ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको शैम्पू कर रहे हैं तो अपने बालों पर लगभग 5 मिनट तक ज़रूर छोड़ के रखें। जैसे आप शैम्पू करके तुरंत बाल को धोए नहीं, 5-7 मिनट तक अपने बालों पे लगा रहने दे, जिससे आपके बालों के जड़ों में प्रॉब्लम्स जो होती है डैंड्रफ वगैरह की वो कम से कम निकल जाए, जूए वगैरह को प्रॉब्लम्स है वो जरूर से ज़रूर गायब हो जाएगा दोस्तों। खास तौर पे गर्मियों के मौसम में परेशानी होती है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, नीम के पत्ती में भरपूर मात्रा में पाया जाता है मेडिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि आपके बालों से हर प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो इस तरीके से आप अपने घर में नीम की पत्तियां रखिए, उसका DIY बना करके ज़रूर ट्राई करें। नीम की पत्ती से अगर आप नीम की पत्ती के पानी से अगर नहाओगे तो आपके स्किन से दाद, खाज, खुजली की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा DIY, कमेंट्स करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।